vai, peixe. एक नई चीज जो है वो हम लेते हैं आप इसमें एम्प्लॉय पे शीट के अंदर सबसे पहले हमारे पास जो होगा वो एम्प्लॉय का नंबर होगा फिर इसके बाद एम्प्लॉय नेम होगा नेम के बाद उसका फादर नेम के बाद उसकी एज दे देते हैं उसका डिपार्टमेंट उसका जेंडर और इसके बाद हम लोग डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद मैं इसकी दे देता हूं जी बेसिक पे के बाद हाउस रेंट के बाद मेडिकल अलाउंस मेडिकल अलाउंस के बाद कन्वेंस अलाउंस तीन मैंने जो है उसके अलाउंस दे दिए टोटल सैलरी इसके बाद अब उसको इनकम टैक्स दे लगा देते हैं एनुअल सैलरी के बाद मैं दे देता हूं इनकम टैक्स और साथ में जीपी फंड इसके बाद उसकी नेट सैलरी देन मंथली सैलरी और लास्ट में हम इसका जॉब स्टेटस जो है वो बता देते हैं ये एक शीट जो है एम्प्लॉय पे शीट इसको हम लोग फाइनल कर रहे हैं अब मैं इनके ऊपर अपने उसी तरह से फॉर्मेटिंग जो है वो अप्लाई कर लेता हूं फादर नेम इसकी एज डिपार्टमेंट डेट ऑफ ज्वाइनिंग बेसिक पे हाउस रेंट मेडिकल अलाउंस सबको हम जो है वो एक प्रॉपर्टी शीट मैनेज अब मैं क्या करता हूं इसके ऊपर से जैसे कोई भी टेक्स्ट फॉन्ट जो है वो आप अप्लाई कर लो अप्लाई करने के बाद आप एम्प्लॉय का जो नेम है नंबर जो है वो आप कोई भी दे लो मैं फॉर एग्जाम्पल वही 101 102 इन दोनों का मैं सिलेक्ट करके एक रेंज जो है वो डिक्लेयर कर देता हूं और इसको हम सेंटर कर लेते हैं नेम फादर नेम एज कोई भी आप दे दो मैंने कुछ चेंजेस जो है ये दे दी और इसको भी क्या कर लेते हैं हम लोग सर्कल कर देते हैं अब इसी तरह से हम लोग डिपार्टमेंट जो है वो दे देते हैं फॉर एग्जांपल अकाउंट डिपार्टमेंट है और एमआईएस है एक फाइनेंस कर लेते हैं आप इसको भी है कुछ मैं फाइनेंस के लोग कर लेता हूं और कुछ अकाउंट्स के आप MIS के और बाकी जो है वो हम जनरल ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो है ये मैंने डिसाइड किया यहां पे इसको सेंटर कर लेता हूं जेंडर मेल है या फीमेल
बाद इसके भी हम सेटल कर लेते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप कोई भी कर दो। अब हम लोग यहां पर यानी अब हमारा ये सारा जो है इसमें क्या आएगा, टोटल हम लोगों ने इनकम यहां तक जो है वो शो करनी है। तो मैं इन सेल पे जाता हूं और यहां पे इनको 2 का इंक्रीमेंट जो है वो दे देते हैं। अब हम कोई भी बेसिक पे वो लिखते हैं, मैं 6 डिजिट पे कोई भी पेज है बना रहा हूं। इनको भी ये 5 टिकट है, ये 5 है, इसको भी काउंट करो 5 4 डिजिट पे जो मर्जी। ये अब हमने इसका हाउस रेंट जो है वो दे रहा हूं, तो हाउस रेंट में सबका फिक्स कर देता हूं कि कोई 1800 जो है हम इनको हाउस रेंट देने लगे। मैंने इसको लिया और सब पे ये फिक्स कर दिया। सेम है सभी ऑप्शन, सेम भी सेम दे देते हैं, मेडिकल भी हम सेम दे देते हैं। वो बाद में देखेंगे, कन्वेंस अकाउंट जो है वो भी तकरीबन सबको कोई इकट्ठे दे देते हैं, क्योंकि कल की जो शीट है वो विद परसेंटेज होगी, हमने परसेंटेज के साथ जो है। अब हमने इनका टोटल निकालना, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, इनको सेलेक्ट करता हूं और सेंटर। अब मुझे टोटल निकालना है, इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट H2 प्लस I2 प्लस J2 प्लस K2। इसको भी मैंने रेंज दी ताकि सबका जो है वो टोटल हो जाए, और सेंटर कर दिया। एनुअल सैलरी के लिए क्या लगेगा, इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू L2 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 12 मंथ होते हैं तो उस सैलरी को हमने 12 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया, L2 मल्टीप्लाई बाय 12। अब हमने इनकम टैक्स जो है ये निकालनी है और जीपी फंड, तो मैं कोई भी यहां पे जो है वो इसको दे देता हूं। सर इनकम टैक्स रेट एक निकालो, वो नेक्स्ट शीट के अंदर है। ये मैंने इसमें कुछ टैक्स दिए, इसको भी हम सेंटर कर देते हैं। इसके बाद जीपी फंड सब का जो है वो हम इक्वल कर देते हैं। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों कॉलम्स को जमा करना है और इसको माइनस करना है, तो मेरी नेट सैलरी निकलेगी। कौन कौन से दो जमा होंगे, ये और ये जमा होंगे और इसमें से माइनस होंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू M2 माइनस ब्रैकेट शुरू N2 प्लस O2। फिर गौर से फॉर्मूला देख लो क्या किया, ये दो सेल जो है ये जमा होंगे, जमा होके इसमें से माइनस हो जाएंगे। मैंने एंटर किया तो ये मेरे पास आ गया। अब मैंने यहां पे इसको इंक्रीज की फाइनल M2 यानी एनुअल सैलरी से माइनस कर दो, इन दोनों को जमा कर दो।
is equal to P2 and 2 divided by 12. अब मैंने मंथली सैलरी निकालनी है तो मैं उसको 12 के ऊपर क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब हम इसकी जॉब का जो स्टेटस है वो निकालेंगे। मैं इन तमाम कॉलम्स को दोबारा सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद इनको हम 2 decimal जो है वो शो कर देते हैं। अब हमने जॉब स्टेटस निकालना है, इफ ब्रैकेट शुरू Q2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 कॉमा डबल कोर्स वो मैनेजर, फिर कॉमा इफ Q2 ग्रेटर देन इक्वल टू 28,000 कॉमा डबल कोट असिस्टेंट मैनेजर कॉमा, फिर इफ Q2 ग्रेटर देन इक्वल टू 22,000 अकाउंटेंट कॉमा, इफ Q2 ग्रेटर देन इक्वल टू 18,000 कॉमा डबल कोर क्लर्क, अगर इससे कम सैलरी है तो वो क्या है, ऑफिस बॉय। अब जितनी ब्रैकेट स्टार्ट की थी उतनी ही हम लोगों ने क्लोज करी, मैंने 4 ब्रैकेट स्टार्ट की थी, 4 ही मैंने क्लोज की, एंटर। अब हम इसको पकड़ते हैं और नीचे एक रेंज जो है वो दे देते हैं। तो ये देखें मुख्तलिफ जॉब जो है वो इस सैलरी के अगेंस्ट मेरे पास जो है वो निकली है। क्लियर हो गया।